नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक रेलवे पुलिस अधीक्षक गोरखपुर रेलवे के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों के दृष्टिगत और सांप्रदायिक व आतंकवादी गतिविधियों के ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल किया गया। आपातकालीन स्थिति में क्या किया जाए, जिसमें जनपदीय पुलिस फायर ब्रिगेड फॉरेंसिक टीम जीआरपी पुलिस संयुक्त रूप से शामिल होकर अभ्यास किया। किसी भी आपदा से कैसे निपटा जाए, हर पहलू का मॉक ड्रिल किया गया ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो उस पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर सीओ रेलवे नगर कोतवाल डी के श्रीवास्तव सहित जीआरपी और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है, मैं थाना प्रभारी जीआरपी आजमगढ़ हूँ। सर आज यहाँ पर रिहर्सल हुआ है बम के खोज करने का। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे महोदय, पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर महोदय के निर्देश में ईद उल फितर जो त्यौहार है जो अभी आगाम होने वाला है, इसके दृष्टिगत जो है सांप्रदायिक दृष्टिकोण से और आतंकवादी घटनाओं के दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल किया है। और मॉक ड्रिल में जनपदीय पुलिस की जो टीमें रही हैं, चाहे वो फायर सर्विस की टीम हो या फिर एएसए की टीम हो या डॉग स्क्वाड की हो, ये सारी टीमें जो हैं वो सभी रिस्पांस टाइम से पहुंच करके और हम लोगों ने इसको देखा है। और ड्रिल इसीलिए किया गया है ताकि भविष्य में कभी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हम उसकी चुनौती का सामना आसानी से कर सकें।